आज हम वर्तमान में भारत के संदर्भ में तेल संकट या ऊर्जा संकट के बारे में बात करेंगे। तेल संकट और ऊर्जा संकट एक दूसरे के पर्याय हैं, और भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत अपने कुल उपभोग का 75% से अधिक तेल आयात करता है। भारत जो तेल आयात करता है वो मुख्य रूप से खाड़ी के देश हैं, जैसे ईरान, इराक, कतर और सऊदी अरब इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला और मध्य एशिया से भी भारत तेल आयात करता है। ऊर्जा संकट या तेल संकट को अगर विस्तार से समझा जाए तो वह इस प्रकार है कि तेल जो खरीदा जाता है उसका भुगतान डॉलर में किया जाता है, और डॉलर हमेशा से ही मजबूत रहा है, और डॉलर रुपए की तुलना में काफ़ी अधिक महंगा पड़ता है, और तेल का भुगतान डॉलर में किया जाता है, जिसके कारण काफ़ी अधिक विदेशी मुद्रा तेल आयात पर खर्च करनी पड़ती है। जो भारत का संपूर्ण आयात करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उसमें सबसे अधिक भाग कच्चे तेल का होता है। इसके अलावा प्रदूषण कम करने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात 2025 तक भारत सरकार ने की है, जो कि लक्ष्य 2030 तक था। अब जो एथेनॉल है, 20वीं जो सदी चल रही है उसमें भारत की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है एथेनॉल का उत्पादन। पिछले साल सरकार ने 2022 तक 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा था, और तेल आयात बिल है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद एक ब्लैक रिवॉल्यूशन या कृष्ण क्रांति की आवश्यकता है। कृष्ण क्रांति के सफल होने पर भारत का जो तेल आयात पर जो निर्भरता है काफ़ी अधिक कम हो जाएगी, और जो कृष्ण क्रांति का उद्देश्य है भारत को पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाना है, और दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देना है। पेट्रोलियम के अलावा सौर ऊर्जा हो और पवन ऊर्जा, और इसके अलावा लघु विद्युत परियोजना, इससे ऊर्जा मिलती है। और ओपेक द्वारा जो तेल उत्पादक देशों का संगठन है ओपेक, उसके द्वारा जब कीमतों में वृद्धि कर दी जाती है या तेल का उत्पादन कम कर दिया जाता है तब भी भारत को काफ़ी महंगा तेल खरीदना पड़ता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तब भी देश में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ जाते हैं। ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोलियम का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। एथेनॉल का मतलब है जो पेट्रो पदार्थ में मिलाया जाता है एथेनॉल, वो गन्ने के सीरे से प्राप्त होता है, और चीनी मिलों में जो बेकार सीरा बा दिया जाता है उसका प्रयोग उस समय एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। एथेनॉल वाली फसलें हैं जैसे रतन जोत या जिसे जटरोपा भी कहते हैं और करंज भी कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए भारत काफ़ी प्रयास कर रहा है। तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत नए अन्य स्रोतों का भी दोहन कर रहा है। भारत में सबसे अधिक तेल का उत्पादन मुंबई हाई में किया जाता है, उसके बाद गुजरात में किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि जैसे 2013-14 में देश में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा गया था तेल कंपनियों द्वारा, उस जो कि वर्तमान में 320 करोड़ लीटर हो गया है। एथेनॉल खरीदने से गन्ना किसानों को भी फायदा होता है। इसके अलावा भारत में कई करोड़ हेक्टेयर भूमि बेकार पड़ी है, यदि 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर एथेनॉल उत्पन्न करने वाली फसलें लगा दी जाएँ तो भारत काफ़ी हद तक तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और बायोडीजल या जट्रोफा या करंज, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, और बायोडीजल को वाहनों में प्रयोग करने से इंजन में कोई भी विशेष सुधार नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जो जटरोपा है एक समशीतोष्ण पौधा है जो किसी भी प्रकार की बंजर भूमि में पैदा हो सकता है। इसके लिए भारत ने रेलवे लाइनों के किनारे खाली पड़ी भूमि पर खेती करना प्रारंभ किया है। 7 किलो रतन जोत पौधे के बीज से 1 लीटर तेल मिल जाता है, और सरकार ने जटरोपा खेती के लिए 1,30,00,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है। जैव ईंधन या जटरोपा के उत्पादन से
तेल की कीमतों में काफ़ी कमी आएगी। जो एथेनॉल मिश्रित तेल होता है उससे वायु प्रदूषण भी बहुत कम होता है। नासा के अनुसार, नासा एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी है, नॉर्थ अमेरिका सैटेलाइट एजेंसी, उसने एक डाटा दिया, उसके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में जो स्तर हो गया है 100 PPM हो गया, अर्थात पार्टिकल पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पिछले लगभग 120-130 वर्षों में हो गया है, और पृथ्वी का तापमान भी 0.7 डिग्री तक बढ़ चुका है। तो इसके लिए भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। वर्तमान में अगर उपभोग की दर, अर्थात पेट्रो उत्पादों के उपभोग की दर यही रही तो पूरे विश्व में 40 वर्षों में तेल समाप्त हो जाएगा। इसके लिए विकल्प के रूप में भारत को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना आवश्यक है, जो कि भारत सरकार कर भी रही है। इसके लिए नवंबर 2015 में ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर किया। इसमें मकर और कर्क रेखा के बीच के 122 देश शामिल हैं। इस आधार पर भारत ने 2030 तक अपनी संपूर्ण ऊर्जा का 40% भाग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की बात कही है, जिसमें 100 गीगा हर्ट्ज सौर ऊर्जा होगी और 50 गीगा हर्ट्ज पवन ऊर्जा प्राप्त करने की बात कही गई है। तो ये तो हुआ तेल संकट और उसका समाधान।